देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। एक ऐसी शख्सियत जिसकी आवाज से पाकिस्तान टेलीविजन नशरियात का आगाज हुआ और जिस शख्स ने 45 साल से जायद अरसे तक लोगों को एक मालूमाती प्रोग्राम के जरिए जोड़े रखा और आने वाली नस्लों को भी मुतासर किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर टीवी कंपेयर, मेजबान, अदाकार, शायर, अदीब और हर दिल अजीज शख्सियत तारिक अजीज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम तारिक अजीज की जिंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में बताएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तारिक अजीज 28 अप्रैल सन 1936 को हिंदुस्तान के शहर जालंधर में अराई घराने में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद इनका खानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। इनके वालिद को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत थी कि पाकिस्तान बढ़ने से 10 साल पहले अपने नाम के साथ पाकिस्तान लिखते थे। तारिक अजीज ने तालीम हासिल करने के बाद रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशावराना जिंदगी का आगाज किया। जब सन 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का क्याम अमल में आया तो तारिक अजीज सबसे पहले पीटीवी के मर्द अनाउंसर बने। ताहम सन 1975 में पीटीवी पर शुरू किए जाने वाले स्टेज शो नीलाम घर ने इनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये शो कई साल तक टीवी पर जारी रहा और बाद में इसे बज़्मे तारिक अजीज शो का नाम दे दिया गया। तारिक अजीज को जो शोहरत नीलाम घर से मिली वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। नीलाम घर कई दिहाइयों तक पाकिस्तान के हर बच्चे, बूढ़े और जवान का पसंदीदा शो बना रहा। ये वो दौर था जब दुनिया में इंटरनेट आम नहीं था और लोगों की तफरीह का वाहिद जरिया टेलीविजन था और तारिक अजीज ने इस मीडियम को उम्दगी से अपनाया और लोगों को अपनी तरफ माइल किया। इनकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त इस शो के पासेस मिलना इतना मुश्किल हो गए कि मारूफ कॉमेडी शो 50-50 में इस पर एक खाका भी बनाया गया। पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख के पहले रंगीन प्रोग्राम होने का एजाज भी तारिक अजीज के इसी शो को हासिल है। अपने शो में शरीक अफराद से किस तरह दाद वसूल करनी है, मेहमान से कौन कौन से सवाल पूछने हैं और किस मौका पर कौन सा शेर सुनाना है, तारिक अजीज इन तमाम चीजों के माहिर थे। तारिक अजीज एक मायानाज कंपेयर होने के साथ साथ एक बेहतरीन अदाकार भी थे। इन्होंने 60 और 70 की दिहाई में कई सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए जिनमें हमराज, इंसानियत, जिंदगी, दिल दीवाना, सालगिरह, कसम इस वक्त की, निशानी, माँ बनी दुल्हन और चिराग कहाँ रोशनी कहाँ जैसी फिल्में काबिले जिक्र हैं। तारिक अजीज को सियासत से भी लगाव था और सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तारिक अजीज जुल्फकार अली भुट्टो से बहुत मुतासर थे और इनका शुमार जुल्फकार अली भुट्टो के करीबी साथियों में होता है। जियाउल हक के दौर में भी इनका प्रोग्राम जोरों शोर से जारी रहा और सन 1997 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता। इस वक्त तारिक अजीज ने इलेक्शन में इमरान खान को हराया था जो कि आज के मौजूदा वजीर आजम है। इलेक्शन जीतने के बाद भी तारिक अजीज ने पीटीवी से अपना नाता जोड़े रखा। तारिक अजीज एक इलम दोस्त शख्सियत थे और इन्होंने कलम को भी अपने इजहार का जरिया बनाया। इनके कालमों का एक मजमुआ दास्तान के नाम से शाया हो चुका है। इसी तरह इनकी पंजाबी शायरी का मजमुआ हमजाद दा दुख भी शाया हो चुका है। तारिक अजीज को इनकी फनी खिदमात पर बहुत से अवार्ड से नवाजा गया और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सन 1992 में सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी के एजाज से भी नवाजा गया।
तारिक अजीज 84 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए और अपने पीछे न सिर्फ अपने घर वालों को बल्कि लाखों की तादाद में अपने चाहने वालों को भी सोगवार कर गए।